गुरुकुल वाले से मना कर दिया, गुरुकुल वाले से मना कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्वप्निल। तो कल भैया का बर्थडे मना लियो अपने। बढ़िया। हाँ सर मना लिया। गए थे बढ़िया सर। क्या हुआ? कहाँ गए थे मनाने? सर मनाने क्या, वो कल तो पेपर था तो रात में 9 बजे तो घर पे ही आया 8:30 पे। ऐसा हुआ पेपर? पेपर का था ठीक रहा, बस जीएस वगैरह थोड़ी सी नहीं आई समझ में। बोले इंग्लिश मैथ रीजनिंग तो इजी लगी थी। इंग्लिश तो सब वही आया था जो बताया गया था। हाँ वही। और फिर बाद में रात में एक रेस्टोरेंट में गए थे, बस वहीं पे केक काटा, खाना खाया, बस 12 बजे घर। वो नहीं, इधर करो, इधर स्लाइड करो, इधर इधर ए स्लाइड, इधर ए स्लाइड, इधर नहीं है बे। स्पीकर ऑन है पल्लवी, यो स्पीकर इज ऑन। स्पीकर का भैया विशेष ध्यान दिया करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पवन, कैसे हैं पवन बताओ? बढ़िया सर। बढ़िया। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लगे रहो हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, होगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा भाई, ठीक है हो जाएगा। अपूर्वी आ चुकी हैं, पवन, अभिषेक सैनी। अभिषेक सैनी क्या हाल चाल? सब बढ़िया है सर। बढ़िया है, एकदम चल रहा है धका धक। यस सर। एग्जाम एग्जाम हो रहे हैं? यस सर, अभी चल रहा है, 25 तक है फाइनल, फिर एंड हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अक्षय तिवारी सब पर भारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अवनीश कृष्णा तिवारी, तुम भी सब पे भारी। क्या चल रहा है अक्षय लाइफ में? कुछ नया चल रहा है? सही है। कुछ नया नहीं सर, नहीं नया कुछ नहीं, कुछ मोड़ नया नहीं, नहीं आ रहा है? नहीं सर अभी तो नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया। अमृता सक्सेना क्या हाल चाल? सर बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। यस सर। ज्यादा बढ़िया कि कम बढ़िया? सर बढ़िया है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कुछ ऐसे टर्म जिन पे हम कल बात कर रहे थे, ठीक है, ये ऐसे टर्म होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, जो हमेशा प्लूरल होते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म होते हैं जैसे आपने देखा पुलिस यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर पैंट्स लिखा हुआ है, फिर पीपल लिखा है, फिर कैटल लिखा है, फिर क्लर्जी लिखा है, फिर सैवलरी लिखा है, फिर शॉर्ट्स लिखा है, फिर शूज लिखा है, फिर स्लीपर्स लिखा है, फिर जीन्स लिखा है, फिर ग्लासेस लिखा है, फिर सीजर्स, फिर ट्राउजर्स, फिर बाइनाकुलर और फिर हेडफोन। ये ऐसे टर्म होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, जो हमेशा प्लूरल होते हैं। दीज टर्म्स आर ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। ये ऐसे टर्म होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। अब जैसे पुलिस है आपका, तो पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। पैंट्स है तो पैंट्स हमेशा प्लूरल आएगा। इसका देखो शॉर्ट फॉर्म भी हमने बनाया था, 3PCSG GST भरो। तो 3P है पहले, 3P हो गए, 3C हो गए और 3S हो गए, और फिर क्या हो गया जी, ठीक है, ग्लासेस GST भरो, जी से जीन्स हो गया, GST भरो और फिर BH हो गया भरो। 3PCSG, 3P है, 3C है, 3S है और फिर J है, फिर GST है और फिर BH है, यानी 3PCSG GST भरो। ये वो टर्म है जो हमेशा प्लूरल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैंक के लिए पुलिस और पुलिस पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल, पुलिस है और पुलिस के साथ पर्सोनल या केवल पर्सोनल। ये ऐसे टर्म है जो हमेशा क्या है, जो हमेशा प्लूरल है।
These terms are always plural. ये वो terms हैं जो हमेशा क्या है, हमेशा plural है. Always keep in mind. Clear है सबको? Yes sir. किसी को कोई doubt? किसी को कोई doubt? No sir. Good morning sir. Good morning Aditya. Good morning. किसी को कोई doubt? 3PCSD GST भरो. ठीक है? P पी पे पुलिस को याद रखना है अच्छे से. पैंट्स, पीपल, कैटल, क्लर्जी, सैवलरी, शॉर्ट शूज, स्लीपर्स, जीन्स, जीएसटी, सीजर्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स एंड हेडफोन्स, ये ऐसे टर्म है जो हमेशा प्लूरल रहेंगे. किसी को कोई डाउट? नो सर. नो डाउट. नो सर. ओके, अब जैसे एक सेंटेंस आया, क्या आया भाई? फाइव पुलिस आर investigating the case. पहला सेंटेंस क्या आया? Five police are investigating the case. When we talk about the second, a police has been invited. दूसरा दिया गया, पुलिस पर्सोनल हैज बीन कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग. अगला है नंबर फोर. अगला है, रुको, किसी का माइक ऑन है, पहले उसको बंद कर दें. माइक ही ऑन छोड़ देते हैं लोग. अगला है, मेनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. नंबर फाइव, यू नीड टू qualify this system. Number six, a police personnel is responsible for this. चलिए ये छह सेंटेंस है, फटाफट सबके आंसर भेजो. You will send me the answer of all six. सर ये फिफ्थ वाले क्वालिफाई लिखा ना. हाँ क्वालिफाई लिखा है. यस सर, भेज दिए. चलिए सबसे पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं.
अब देखो कभी भी एक बात पहले याद रखो, जो आपका टर्म है वो पोलिस, ये कैसा टर्म है भाई बोलो? पोलिस प्लूरल, ये आपका प्लूरल। पोलिस के पहले अगर कभी भी नंबर आएगा, कोई इधर उधर बहुत हिल रहा है, पुलिस के पहले अगर कभी भी नंबर आएगा या पुलिस के पहले अगर कभी भी आर्टिकल आएगा तो एक बात ध्यान रखना है, क्या बोलो क्या? ये हमेशा पुलिस के साथ कोई नाउन जरूर जुड़ जाएगा, पुलिस मैन, पुलिस वोमेन या पुलिस ऑफिसर, पुलिस के साथ कुछ जरूर जुड़ जाएगा, पुलिस मैन, पुलिस वोमेन और पुलिस ऑफिसर, पुलिस के साथ जरूर कुछ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या दिया है, फाइव पुलिस, यानी पुलिस के पहले क्या आ गया, नंबर आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुलिस और क्या हो जाएगा, मैन। फाइव पुलिस मैन आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, क्या हो जाएगा, फाइव पुलिस मैन आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, फाइव पुलिस मैन आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, मतलब पांच पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब देखो दूसरा क्या दिया है, आप पुलिस, यानी पुलिस के पहले क्या आ गया बोलो जरा, आर्टिकल आ गया, क्या आ गया बोलो, आर्टिकल आ गया। अब जब पुलिस के पहले आर्टिकल आ जाएगा तो ये पुलिस मैन हो जाएगा, आप पुलिस मैन। फिर तीसरा क्या है, पुलिस पर्सोनल, पर्सोनल कहीं पर भी आ जाएगा तो हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। मेनी, अब देखो कैटल्स वर्ड नहीं होता, गलती यही होती, दैट कैटल्स वर्ड इज नॉट देयर, द वर्ड इज व्हाट, द वर्ड इज कैटल, वर्ड आपका क्या है, कैटल, तो मेनी कैटल्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कैटल, मेनी कैटल आर इन्वेस्टिगेटिंग ग्रेजिंग इन द फील्ड। You need to qualify this system. कोई गलती नहीं। हाँ, बोलो। Cattle word नहीं होता है, मतलब वो कौन सा cattle? Cattle कोई word नहीं है भैया। Word है आपका पूरा का पूरा cattle, ठीक है, cattle से कोई word नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, many cattle are grazing in the field. You need to qualify, इसमें कोई गलती नहीं। अब देखो कभी कभी क्या होगा, पुलिस पर्सोनल के पहले ए या वन लगा देंगे, ये न्यूज़पेपर की रखने की शैली है, पुलिस पर्सोनल दिया है या कोई भी पर्सनल दिया है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे, वन पुलिस पर्सनल, वन पर्सनल, ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कंसीडर कर लेते, सिंगुलर, वन लगा है तब, दो लगा है तो प्लूरल ही होगा, लेकिन अगर वन लगा है तो ऐसी कंडीशन पे इसको क्या कर लेते, इन दैट कंडीशन वी मेक इट सिंगुलर, ऐसी कंडीशन में हम इसे सिंगुलर बना लेते। बोलो आई बात समझ में, यस नो सर? थर्ड वाले में सर ये कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसमें पुलिस पर्सनल खाली लिखा है, तो पुलिस पर्सनल लिखा है तो पर्सनल सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा ना सर, तो है प्लूरल, प्लूरल 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 पर्सनल, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को तो सिंगुलर कंसीडर करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को तो सिंगुलर कंसीडर करते ना, अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट कहीं पर गिवन है, पुलिस डिपार्टमेंट इज अ सिंगुलर टर्म, बट द अगर हम बात करें पर्सनल की तो पर्सनल टर्म अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ठीक है, वो भी तो ग्रुप ही, हाँ वो स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरा का पूरा स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट तो आपका पूरा हो गया लेकिन ये पूरे के पूरे स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, ये पूरे के पूरे स्टाफ को बताएगा, ठीक है, पूरे के पूरे स्टाफ मतलब जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब ये नंबर ऑफ पर्सन को बताता है, पर्सनल, और डिपार्टमेंट सारे लोग आ जाते हैं, ये ऑफिशियल्स को बताता है, जो मतलब अधिकारी लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जो पर्टिकुलर चीज को की निगरानी कर रहे हैं, उनको बताता है, डिपार्टमेंट पे तो सब आ जाते हैं, होम गार्ड से लेकर सारे लोग, इसलिए डिपार्टमेंट एक टर्म है जो सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन पर्सोनल आपका जो टर्म है वो क्या है, वो आपका प्लूरल है, ठीक है,
पर्सनल आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए हैव बीन लगेगा, लेकिन वन पर्सनल या आप पुलिस पर्सनल अगर उसने यूज कर लिया तो हम सिंगुलर बी कर सकते। क्लियर है सबको? यस यस यस। चलिए गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। राकेश प्रसाद जी सर, क्या लगाया इसमें? हैव लगेगा सर, क्योंकि पुलिस प्लूरल है सर। वर क्यों नहीं लगेगा, क्वेश्चन हमारा ये, क्योंकि हैव के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सर, आगे अरेस्टेड है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर के बाद भी तो आ सकता है कि नहीं आता सर? पैसिव वॉइस में आता है। हाँ बहुत बढ़िया, उसमें पुलिस पकड़ ली जाएगी ना, इसमें क्या होगा, इसमें पुलिस नहीं पकड़ी जाएगी और उसमें पुलिस पकड़ ली जाएगी। ठीक है, तो पुलिस पकड़ेगी कि पुलिस को पकड़ा जा रहा है? पुलिस पकड़ेगी सर। पुलिस पकड़ेगी, तो सब्जेक्ट पुलिस है, और जब सब्जेक्ट आपका पुलिस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव अरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड arrested that thief. West Bengal में passive वाला ही चल रहा है सर, पुलिस को ही पकड़ा जा रहा है। पुलिस को कहे पकड़ा जा रहा है? हाँ सर, दीदी का गवर्नमेंट में वो सब कर दिया सर। दीदी गवर्नमेंट पुलिस को पकड़ लिया? हाँ सर। अच्छा, तुम्हारे यहाँ क्या है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार इस बार जाएगी सर बंगाल में? हाँ तो बंगाल में तो सब बीजेपी हो गया सर, सब एमएलए एमपी सब तो बीजेपी में जा रहा है सर। तो मतलब बीजेपी चांस है इस बार? हाँ सर, बंगाल में तो है, लगता तो है। अच्छा अच्छा सर, पेट्रोल तो सर 105 रुपए में हो गया। अरे ठीक है यार, मत गाड़ी चलाओ, पैदल जाओ, साइकिल लो, ले लो एक साइकिल से चलो। अमित शाह जी तो सर एवरी वीक पे ही आता है हमारा यहाँ पे। जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि पेट्रोल पीना है। ठीक है, महंगाई तो आएगी ही आएगी कोरोना के बाद यार, वो तो नो डाउट बहुत महंगाई आएगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ करेंगी थोड़ी, करना तो तुम्हें ही है ना, मैनेज घर का खर्चा किसको मैनेज करना है? जो मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली, उसकी आधी लाइफ तो केवल दिखाने में चली जाती कि यही स्टेटस मेरा ये है, स्टेटस दिखाने में चली जाती। मिडिल क्लास के बंदे को कह दो साइकिल से चले तो बहुत मुश्किल होगा। गरीब तो साइकिल से चलता ही है, और अमीर को कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी साइकिल से चल लेगा। लेकिन अगर मिडिल क्लास के बंदे को कहो तुम साइकिल से चलो, तो आदमी ये कहेंगे कि अरे, आदमी भी बहुत कलाकार होता है, ठीक है, आदमी भी कहेगा हमको लगता है कोरोना में इनकी जॉब छूट गई इसीलिए ये साइकिल से चलने लगा। तो ये सबसे ज्यादा टेंशन मिडिल क्लास को होगी, उसको बनाकर चलना है अपना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। हाँ ये कह रहे हैं वो जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें लिखा है द पुलिस मतलब डेफिनेट कर दिया गया कि यही पुलिस मतलब अनकाउंटेबल हो गया सर ना? तो हैज नहीं आएगा, पुलिस के पहले द आता है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है, पुलिस के पहले द आता है। पुलिस को हम पुलिस भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं, तो वो डेफिनेट वाला केस यहाँ पर बिल्कुल लेकर मत चलो कि डेफिनेट केस है यहाँ पर। अगर आपकी पुलिस निश्चित भी हो जाएगी तब भी हम पुलिस के साथ क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। द पुलिस आता है, पुलिस के पहले द आता है, इसलिए द लगाया जाता है। द पुलिस भी सही, पुलिस भी सही, ऑल द थिंग्स आर राइट। नाउ टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर। सर 5 पुलिस मैन हो,
तुमको अभी बताते हैं यहां से दोस्त तिवारी। चलिए आशुतोष तिवारी, हाँ अपने आप को अनम्यूट करो, बताओ क्या होगा तो हम पूछे। पुलिस मैन होना चाहिए। पुलिस मैन है ना, तुम्हारी जिंदगी में छुहारा भर देंगे हम, सोच लेना दोस्त तुम। पुलिस मैन मैन नहीं, भाई पुलिस मैन कहा करो हमसे, अमीयन मैंने ना कहा करो हमसे, नहीं तो जिंदगी में हम क्या बनेंगे। क्या क्या हुआ सर? मैं नहीं निकल जाता हूँ। कैसे निकल जाता है? तो एमईएन बोला करो, फाइव पुलिस मैन, भी फाइव पुलिस सर एमईएन वाला होगा ना। तो आईसा सर मैंने देखा, अब चलो बताओ जल्दी से, अमृता सक्सेना आईसा कौन सा टेंस है? सर पास्ट इंडेफिनिट। अरे वाह, फाइव पुलिस हु वर रनिंग, जल्दी से बताओ। स्वप्निल चौधरी, यस सर। ये हु क्या है यहाँ पर? हु सर रिलेटिव प्रोनाउन, किसको फॉलो करेगा? एंटीसीडेंट को, फाइव पुलिस एंटीसीडेंट को फॉलो करेगा। वर हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, जो किसको बैंक रॉबर्स को क्या कर रहे थे, जो उनके पीछे दौड़ रहे थे। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गई बात? अगला सेंटेंस देखो, आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर हाँ सर, एडवाइस के साथ आर्टिकल नहीं आता है ना सर? जो अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। अनकाउंटेबल है ना एडवाइस, उसको प्लूरल नहीं बना पाते, जिसको प्लूरल नहीं बना सकते उसके साथ ए एन तो आ ही नहीं सकता। द अगर आपको लगाना है तो उसमें कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, जैसे हमने कह दिया द एडवाइस ऑफ सैलजा, द एडवाइस ऑफ प्रीति, द एडवाइस ऑफ अक्षय, द एडवाइस ऑफ सिद्धार्थ। जब हम ऐसा बोलते हैं तब आपका क्या हो गया, दा लगता है उस कंडीशन। क्लियर? यस। चलिए तो सबका आंसर आ चुका होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलते हैं हम फटाफट, चलते हैं किसके पास? रुखसार के पास। रुखसार बताओ। जी सर। बताओ जरा क्या होगा यहाँ पर? Have के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जल्दी से बताओ ट्रांजिटिव वर्ब की इन ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव वर्ब। सो वी आर गोइंग कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। स्टेशन ठीक है समझ में आ गया। पुलिस के साथ हैव आएगा बिकॉज ऑफ प्लूरलिटी, ये प्लूरल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, और वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक बोलो जल्दी फटाफट, कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो। नो डाउट, चले आगे। अब अगला सेंटेंस है, अब जैसे क्या होता है सीजर्स, अब जल्दी से बताओ सीजर्स सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। प्लूरल है। भाई जिंदगी में सब प्लूरल है। प्लूरल है सर। प्लूरल है सर। सीजर्स क्या है? प्लूरल है। लेकिन अब कोई जिद दिया गया कि इसे सिंगुलर बनाओ तो हम बना सकते अ पेयर ऑफ सीजर्स। हाँ, क्या बना सकते? अ पेयर ऑफ सीजर्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स। जैसे पुलिस है तो पुलिस आपका क्या है? प्लूरल है। लेकिन कोई जिद दिया जाता है कि इसको सिंगुलर बनाओ तो हम क्या बोल देते? आ पुलिस मैन। क्या बोल देते? आ पुलिस मैन। ठीक है, सीजर्स आपका क्या है? प्लूरल है। अब जैसे आपका क्या है? ट्राउजर्स। ट्राउजर्स क्या है बोलो जरा? प्लूरल। प्लूरल। लेकिन अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ। क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स।
क्या बोल देंगे? अपीयर ऑफ सीजर्स. बोलो आई बात समझ में? यस सर. बिल्कुल क्लियर है. हमने कहा अपीयर ऑफ सीजर्स इज शार्प और सीजर्स इज शार्प. दोनों को सही करो. पहला तो सही लग रहा सर, दूसरे में आर. पहला तो सही है, सेकंड में आर होगा. पक्का? यस सर. पक्का सही हो गया. ए पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प गिवन. तो अ पेयर ऑफ सीजर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज शार्प हो जाएगा. और सीजर्स इज शार्प नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर शार्प होगा. अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, सीजर्स आर शार्प. ये आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा. अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प और सीजर्स आर शार्प, दोनों क्या हो गए? दोनों को अपने सही कर लिया. कोई डाउट किसी को? नो सर. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है. अब जल्दी से देखिए यहाँ पर. हर मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, सो शी विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 100% मार्क. बताओ सही की गलत? सही है सर. सही है. ईज होगा सर, मैथमेटिक्स के बाद ईज होगा. आर सही है. जल्दी बताओ सर. सही है. नो एरर. सही है सर. नो एरर है उसमें. यस सर. नो एरर सर. या गलती है? ईज लग रहा है वहां पे. ईज अच्छा लग रहा है. नो एरर. पहले देखो मार्केट में कुछ वर्ड होते हैं जो अपने बाद एस लगाते हैं, लेकिन तब भी वो क्या होते? सिंगुलर होते. अपने बाद एस लगाते लेकिन फिर भी वो क्या होते? सिंगुलर होते. जैसे आपने कहा कि मैथमेटिक्स. आपने क्या कहा? मैथमेटिक्स. आपने क्या कहा? आपने कहा एथिक्स. आपने कहा फिजिक्स. आपने क्या कहा? इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये सारे देखो. गैलोज फांसी, लिंग्विस्टिक भाषा जिसको ज्यादा आती, इनिंग्स, सम्मंस, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स. एसी में इंग्लिश पढ़, ये पढ़ाया था. एसी में इंग्लिश पढ़. एसी में इंग्लिश पढ़. ठीक है, एसी में इंग्लिश पढ़. ये हो गया एथलेटिक्स, ये हो गया क्लासिक, ये हो गया मैथमेटिक्स, ये हो गया एथिक्स, ये हो गया इकोनॉमिक्स, ये हो गया न्यूज, ये हो गया गैलोज, ये हो गया लिंग्विस्टिक्स, इनिंग्स, सम्मंस, स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स. ये आपके है, ये टर्म है, ये हमेशा कैसे है बोलो जरा. दीज टर्म्स आर ऑलवेज सिंगुलर. ये कैसे टर्म है? दिखने में प्लूरल है लेकिन है कैसे बोलो जरा. ये हमेशा सिंगुलर है. अब इसमें भी एक्सेप्शंस है. इसमें क्या एक्सेप्शंस है? चलो बता देते हैं. यहां पर भी आपके क्या है? यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं. अब वो एक्सेप्शंस कौन से हैं मैं आपको बताता हूं. केवल कहीं पर जब मैथमेटिक्स आपका क्या होगा, ये जब सब्जेक्ट के तरीके काम करेगा, व्हेन इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट. जैसे हमने कहा माई मैथमेटिक्स इज गुड, और मैंने कहा मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट. अब दोनों सेंटेंस में अंतर है. जब हम बोलते हैं माई मैथमेटिक्स इज गुड, क्या बोलते हैं बोलो? जब हम ये बोलते हैं माई मैथमेटिक्स इज गुड, मेरी मैथमेटिक्स क्या है? बढ़िया है. तो सेंटेंस दूसरा हो जाता है. तो सेंटेंस में दूसरे भाव आ जाते हैं. वहां पे कौन से भाव आते बोलो जरा? अगर हम बोलते माय मैथमेटिक्स इज गुड, तो यहाँ पर क्या क्या भाव आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स या कैलकुलेशंस. हाँ, ये जब आपका माय, योर, हिज, हर, देयर, ये सब आता है, और इनके बाद आपके कौन से टर्म आ जाए? मैथमेटिक्स.
इनके बाद कौन से टर्म आ जाए, इकोनॉमिक्स। इनके बाद कौन से टर्म आ जाए, स्टेटिस्टिक्स। ये अगर आ जाते तो ये कैसे बनते हैं बोलो जरा, प्लूरल, क्योंकि ये फिर सब्जेक्ट नहीं होते, ये वाइडर सेंस को रिप्रेजेंट करते। अगर आपका कहीं पर गिवन है, कहीं पर गिवन है माई, योर, हिज, हर, देयर मैथमेटिक्स, तो इसे प्लूरल कंसीडर करना है। जैसे तुमने क्या कहा, माई मैथमेटिक्स, तो यहां पर क्या जाएगा, आर गुड, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशंस, ओवरऑल स्किल ऑफ मैथ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई मैथमेटिक्स आर गुड। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हम कहें माई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो इजी लगेगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लेंगे, जैसे हमने क्या कह दिया, माई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज गुड, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल मैथमेटिक्स दिया है तो फिर वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो कुछ और होता है, कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, तो वो प्लूरल कंसीडर होता है। अब इस सेंटेंस में देखो क्या गिवन था, हर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के पहले क्या गिवन है बोलो जरा, हर दिया हर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो जरा, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, सबको क्लियर हुआ। अब चलो मैं आपसे एक और, हाँ सर, अगर फिजिक्स भी होता हर फिजिक्स तो तब भी सर आर आ जाता, फिजिक्स फिजिक्स में नहीं आता है, क्योंकि हर सिर्फ तीन जो आपने बताया सिर्फ उसी में आता है, ये तीन जो है, जो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, ये तीनों के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। क्लियर है, इनके yes, साथ sir. जब आपका हिज, हर, ये आएगा माई, योर, ये आएगा, तब आप क्या लगाओगे, ऐसी कंडीशन पे आप क्या लगाओगे, इन दैट कंडीशन वी आर जस्ट गोइंग टू यूज प्लूरल। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब दूसरा, कभी कभी जैसे हम बात करते पॉलिटिक्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, अब जैसे हमने कहा, क्या कहा, द पॉलिटिक्स, क्या कहा, द पॉलिटिक्स, अरे यार अजी, पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट्स, ऑफ द स्टेट्स इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और हमने कहा द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ राहुल गांधी, राहुल गांधी, गांधी इज नोन टू एवरीवन, नोन टू एवरीवन। द टू सेंटेंसेस आर गिवन हियर, द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल गांधी इज नोन टू एवरीवन। द टू सेंटेंसेस आर गिवन हियर, जल्दी से बताइए कौन से सेंटेंस में क्या गलती है। सर सेकंड वाले में आर होना चाहिए, सेकंड वाले में क्या होना चाहिए, आर। अच्छा, और पहले वाले में तो वो सही है सर, ऐसा कैसे तुम जान गए, सर अभी आप ही बता रहे हैं वो चीज, क्या क्या हम बताएं, जब किसी के मैथमेटिक्स हो तो उसमें आर लगा देते हैं, तो यहाँ तो पॉलिटिक्स चल रही मेरे भाई। फर्स्ट में आर होना चाहिए, वो सही है पहला, आर पहले में शायद, कहां बर्तन धुले जा रहे हैं, में आर होगा सर, सर पहला नोवेरा है, दूसरे में आर होगा, चलो दूसरे में आर होगा, राहुल गांधी। अब जरा यहां पर देखो क्या है, राहुल गांधी की कितनी पॉलिटिक्स होगी बोलो, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कितनी, बोलो बोलो बोलो,
राहुल गांधी एक ही बंदा है ना, तो उसकी पॉलिटिक्स से कितनी? एक ही तो होगी सर। एक होगी तो क्या लगेगा? द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल गांधी इज नोन टू एवरी, क्लियर है? लेकिन यहाँ पर देखो स्टेट नहीं दिया है, क्या दिया है? स्टेट से गिवन है, और हम पॉलिटिक्स को प्लूरल बना नहीं सकते भाई। हम क्या कर सकते हैं? हम पॉलिटिक्स को तो प्लूरल बना नहीं सकते, पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते। अब स्टेट्स अगर गिवन है तो यानी आपके कितने 28 स्टेट और उनकी पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। तो कभी कभी आपको न्यूज़पेपर में ऐसा भी दिया मिलेगा कि पॉलिटिक्स के साथ आर भी मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होने। एक लोग की पॉलिटिक्स है तो सिंगुलर जाएगा, लेकिन कई लोगों की पॉलिटिक्स है तो आपका क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन पे पॉलिटिक्स प्लूरल जाएगा। दोनों बातें समझ में आई? बोलो, किसी को अभी तक डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, कोई डाउट हो तो फटाक से पूछो। एनी डाउट? नो डाउट सर। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? नो सर, समझ गए? समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये अलग बात है। इसमें पहले अगर हिज हर माई योर आएगा तब वो आपका प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिक्स टर्म है वो सिंगुलर है। एक की बात होगी तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा के पॉलिटिक्स की बात होगी तो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए। नो सर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, she was punished for committing many mischiefs. बोलो जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है। Much mischiefs. तो चलिए, ये तो सबको पता होगा, सारे लोगों को ये बात पता है। हम चलते हैं किसके पास? काजल। काजल बताओ क्या गलती? सर मिसचीफ्स जो है सर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मैनी सर आएगा नहीं सर। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सर सही है सर। ठीक है, गुड। आदित्य राय चौधरी। यस सर। ये जो गिवन है आपका शी वाज पनिश्ड, दिस इज एक्टिव और दिस इज पैसिव? सर पैसिव। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका पैसिव वाइज है। अभिषेक सैनी। यस सर। ये जो शी वाज पनिश्ड है इसका क्या मतलब होगा? मतलब उसे पनिश किया गया, सजा दी गई। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्वप्निल अग्रवाल। यस सर। ये जो प्रेपोजिशन होता है इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, वेरी गुड। अमृता सक्सेना के बाद आएंगी शैलजा वर्मन। है शैलजा वर्मन? यस सर। शैलजा ये बताओ जरा, ये मेनी किसके लिए लगता है? सर मैंने लगता है प्लूरल के लिए सर, काउंटेबल के लिए। प्लूरल और काउंटेबल। हाँ, और प्लूरल और काउंटेबल सर। ठीक है। मिसचीफ तुम्हारा कैसा है आज, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? सर अनकाउंटेबल है। आप रोहित शंखधर पाए जा रहे? नहीं पाए जा रहे। अब जल्दी से, तो इसका आंसर क्या? देखो मच मिसचीफ नहीं हो सकता, गलत है। मेनी मिसचीफ हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेनी मिसचीफ्स नहीं हो सकता है, मच मिसचीफ यानी डी वाला आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए गुड। अब यहां पर ये है, अब जल्दी से हम चलते किसके पास? अब जल्दी से चलते हैं, जल्दी से पहले आंसर दो फिर चले।